अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नासरीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। नासरीन, MP इलेक्शंस के पेश नज़र तमाम पार्टीज़ के सियासी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का ज़ोरों शोरों से अमल जारी वसारी है। हर कोई एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर इंतखाबी मुहिम में शानदार जीत हासिल करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। BJP पार्टी से MP उम्मीदवार माधवी लता, जो कि हर आए दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस व मुबाहसों का मौज़ू बनते चले आ रहे हैं, उनका एक वीडियो जो कि इन्होंने मस्जिद को निशाना लगाते हुए तीर मारने का निशाना जाहिर किया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा और गर्मा गर्म बहस व तकरार चल रही है। इस मामले पर तेलंगाना रियासत की गोल्डन गर्ल कहलाए जाने वाली सैयदा फलक ने जलसे आम से खिताब करते हुए, जो कि बहादुरपुरा पर मुनक़िद किया गया था, यहाँ पर माधवी लता को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तो तीर इन पर खुद पर चलेगा। और इन्होंने माधवी लता की इस तरह की शरपसंदी पर शदीद तनकीद का भी इजहार किया। पेश है 90s न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। गरम जब मराठा है, सबर और रजा होता है, तो कोई जानबाज भी मैदान में खड़ा होता है। जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज ही सबसे जुदा होता है। आज हमारे मुल्क के हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। फिरखा परस्ती उर्ज पर है। हमारे आइन दस्तूर को हुकूमत खत्म करने चली है। माइनॉरिटीज की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिशें रची जा रही है। ऐसे हालात में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि खुदा रा होशियार हो जाओ, पहले से ज्यादा मुतहिर और मुनज़्ज़म हो जाओ। इत्तेहाद में ताकत है। सियासी इख्तलाफ से मैं नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरे भाइयों, सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, ये इलेक्शन बहुत ही अहम है। हमें पहले से ज्यादा भारी एक्सपीरियंस से उस शख्स को कामयाब करना है जो सबसे पहले हमारे हर मसलों पर हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिसकी आवाज सबसे पहले पार्लियामेंट में पूछती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कमजोर करने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने, हमारी खुद की सियासी क़यादत को यहाँ कमजोर करने नई नई साजिशें रची जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 40 साल से हैदराबादी पार्लिमानी हल्के में मजलिस कामयाब होते आई है, क्योंकि यहाँ हमारा इत्तेहाद है, हमारी ताकत है, आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का भरोसा है। मजलिस ने गैर मामूली कारनामे यहाँ किए हैं। बेइंतहा आवाज की खिदमत मजलिस ने यहाँ की है। इसीलिए आज उस्ताद की बुनियाद पर आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आ जाओ, जो आते आ जाओ, मोदी आ जाओ या राहुल गांधी आ जाओ, ये लतावता मीर सादेह मीर जाफर हमारी गिनती में नहीं है। अगर BJP और कांग्रेस मिलके भी यहाँ पूरी कोशिश कर ले तो इंशाल्लाह 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में कामयाब होकर जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, क्योंकि आज पूरे मुल्क की नजर इस हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है। आज पूरी नेशनल मीडिया, पूरी RSS, BJP मिलकर यहाँ के BJP की कैंडिडेट को प्रमोट कर रहे। नए एक्टर आए एक मार्केट में। BJP की वो कैंडिडेट मुस्लिम औरतों के बारे में, पुराने शहर के औरतों के बारे में एक प्रोपेगेंडा चला रहे। अरे हिजाब और बुरखा हमारी आजादी।
मुसलमान औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया था तो उस टाइम पार्लियामेंट में मौजूद पूरे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में क्यों मुसलमान औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जब वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया था तो उस टाइम पार्लियामेंट में मौजूद पूरे 453 एमपी उस बिल के फेवर में वोट किए। सिर्फ मजलिस के 2 एमपी उस बिल की मुखालिफत करे, उस बिल के खिलाफ वोट करें। क्यों? क्योंकि उस बिल में मुस्लिम और ओबीसी खवातीन औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। Yeah, sure.